इनकी फट चुकी है, नाला ढीला हो चुका है, अब इनके बस की बात नहीं है, जनता हुकार भर चुकी है, अब इनको मिट्टी में मिलाने का काम करने जा रही है। और कांग्रेस ये जितने भी हैं, माननीय उच्च न्यायालय को हम बार बार बधाई देंगे कि उन्होंने आज जो निर्णय लिया है ये सराहनीय निर्णय है, और इसी तरीके से जितने भी इनके आए हुए हैं आदेश उनको सबको निरस्त करके लोकतंत्र उच्चतम न्यायालय का हम सहर्ष इस बात के लिए स्वागत करते हैं कि वो देश की जनता में एक विश्वास ये जगाए हुए है कि अभी हम जिंदा हैं। ईडी मर गई है, सीबीआई मर गई है, पत्रकार समूह खत्म हो गया है, सबको उन्होंने खत्म कर लिया है। लेकिन ये बहुत फक्र की बात है कि हमारा उच्चतम न्यायालय जी जिसमें खुद जो है ये अरे नहीं नहीं ये विद्यार्थी थे, उसी में मास्टर थे, उसी में प्रिंसिपल थे, उसी में कुलपति थे, वो कौन सा विद्यालय है मोदी जी बताए ना, उनकी सर्टिफिकेट कहाँ है, क्यों नहीं दिखाते, क्यों देश की जनता के साथ भाग रहे हैं, अपना घोटालेबाज है और दूसरे दिन अपनी पार्टी में लेकर के वित्त मंत्रालय दे देते हो, वो घोटाला कहाँ गया, उसको कब खोलोगे आप? इसका मतलब है कि आप जनता तो इनके खिलाफ वोटिंग करती है। लेकिन अरे भैया जो ईवीएम है ना उसमें इनको मशीन फिट कर रखी है इन लोगों ने, खेला हो रहा है ईवीएम में, अभी एक वोट डालो तो पता चले वो वोट आप किसी पर भी डालेंगे जब आप उसको ओके करेंगे तो वो वोट चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कमल पर। वही तो सवाल, विपक्ष आखिर क्यों सवाल नहीं खड़ा कर, विपक्ष सवाल हाँ अब उसमें गड़बड़ी किया तो भी लाठी भांजेंगे अब जनता, हाँ अब एकदम मुस्तैद है, लिए तैयार। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 2 साल की जो सजा थी उस सजा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल क्या, एक बार फिर से राहुल गांधी की जो सदस्यता संसद की चली गई है वो वापस मिलेगी, और क्या राहुल गांधी जो विपक्ष टीम इंडिया ने अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाया है उस पर राहुल गांधी शामिल होंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता पर जो है वो उनकी सजा पर जो है वो 2 साल की जो सजा थी उस पर रोक लगाते हुए उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। हाई कोर्ट गए थे, सेशन कोर्ट से जो फैसला था मोदी सर ने मामले में उस पर राहुल की बड़ी जीत हुई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता बहाल होगी। जनता जनार्दन इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फैसला आया है 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कितना प्रभावित करेगा, क्या वाकई में 2024 में राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल होने वाली है और जो ये जो सजा पर रोक लगी है इससे बड़ा फायदा कांग्रेस में होगा या फिर नहीं, क्या लग रहा भैया? आज राहुल गांधी की जो सजा थी 2 साल उस पर रोक लग रही है, 2024 में इससे कितना फायदा होगा और क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस हिंदुस्तान की लोकतंत्र पे जो है खतरा मंडरा रहा था, आज माननीय न्यायालय ने ये दिखा दिया कि ये जो ढोंगी लोग जो बड़े बड़े नेताओं की सदस्यता को सदन में जाने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, माननीय राहुल जी के साथ जो ये कूटरचित रचना रच करके उनकी सदस्यता 2 साल की सजा दिलवा करके उनकी सदस्यता जो खत्म करने की एक साजिश हुई उसको माननीय न्यायालय ने खत्म करते हुए वो बधाई के पात्र हैं, और आज ये लग रहा है कि अभी हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खतरा नहीं होगा। हम आपको बताना चाहते हैं ये जितना रोकने का प्रयास करेंगे ढोंगी लोग जो इस समय आए हैं सरकार बना करके, आपको हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक दिन मोदी जी बोलते हैं महाराष्ट्र में कि अजीत पवार जैसे लोग ये बड़े लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, घोटाला किए हुए हैं अरबों खरबों का, और दूसरे दिन वही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के चोले में आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में उनको डाल करके नाला धुला करके निकाल देते हैं। और बड़ी विडंबना की बात है साथियों कि उनको एक कैबिनेट मंत्री बनाते हुए वित्त मंत्रालय दे दिया कि और बेटा घोटाला करो, अब तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हो, अब तो मैं आपको साफ सुथरा करके दे रहा हूँ। अब आप एक चीज़ ये बताइए कि आप एक दिन पहले बोलते हैं कि बड़ा घोटालेबाज है ये अरबों का घोटाला किया हुआ है, अरे आपने आप इनको ले लिया, वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आप डालते हो और उसके बाद निकाल करके कैबिनेट मंत्री बना देते हो और उसके बाद इतना बड़ा वित्त मंत्रालय उनको दे देते हो, तो क्या आपके यहाँ वो लोग जो चले जाते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं? इससे आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में ही जो है घोटाला हो रहा है और ये सब घोटाला कर रहे हैं? इसका लग रहा है इसी घोटाले को संसद में उठाने की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई थी? निश्चित तौर पर जो इनके व्यापारी इनके जो है जो लंगोटिया आ रहे हैं अडानी अंबानी, इनको बचाने के लिए ही ये साजिश राहुल गांधी जी के साथ हुई, क्योंकि राहुल जी एक ऐसे नेता थे जो सदन में इस मुद्दे को जोरदारी के साथ उठा रहे थे और पूरा विपक्ष उठा रहा था, उनको लगा कि अगर राहुल गांधी ऐसे बोलते रहेंगे तो ये जो चोर आए हैं
मार्केट में ये लूट खसोट नहीं मचा पाएंगे, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के सब मुखिया संलिप्त हैं। ये व्यापारी जो आए हैं इस देश को लूटने के लिए आए हैं और उस लूट में ये भी शामिल हैं, इसलिए राहुल गांधी जी के साथ ये साजिश करके उनको 2 वर्ष की निचली अदालत में सजा सुना करके और सदन की सदस्यता समाप्त कर देते हैं। माननीय उच्च न्यायालय को हम बार बार बधाई देंगे कि उन्होंने आज जो निर्णय लिया है ये सराहनीय निर्णय है और इसी तरीके से जितने भी इनके आए हुए हैं आदेश उनको सबको निरस्त करके लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, क्या लग रहा है 2024 में इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा और पूरी टीम इंडिया को जो कि जो गठबंधन बना है 2024 में मोदी के खिलाफ उस पर कितना फायदा मिलेगा, ये कुछ देगा कांग्रेस को फायदा? अरे ये पूरा फायदा देगा, फायदा ही नहीं, जो इंडिया ये जो गठबंधन बना हुआ है इससे ये भयभीत हैं, इनकी फट चुकी है, नाड़ा ढीला हो चुका है, अब इनके बस की बात नहीं है, जनता हुकार भर चुकी है, अब इनको मिट्टी में मिलाने का काम करने जा रही है। और कांग्रेस ये जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं मजबूती से मैदान में आ गए हैं और इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी कह रहे 20 लाख करोड़ वाले घोटाले बाजे हुए हैं, सबकी फाइल खुलेगी 24 के बाद। अरे आप अपना फाइल कब खोलोगे भाई? आपने अभी अजीत पवार को ही आपने सुना होगा, पूरी मीडिया पूरा हिंदुस्तान सुना मोदी जी के मुंह से कि इन्होंने कहा कि ये सब घोटालेबाज हैं और दूसरे दिन अपनी पार्टी में लेकर के वित्त मंत्रालय दे देते हो। वो घोटाला कहां गया? उसको कब खोलोगे आप? इसका मतलब है कि आप भी संलिप्त हो उसमें, उस घोटालेबाज में आपका भी योगदान है। क्यों अपना नहीं देखते हो? इनके यहां कितने मंत्री घोटालेबाज बैठे हुए? इंडियन मुजाहिदीन वाला कह रहे हैं ये इंडिया है। कौन कह रहा है? मोदी जी। ये खुद साले सब आतंकवादी हैं, आ गए हैं देश में, ये क्या बताएंगे कौन जो है मुजाहिदीन है? ये पहले अपने को पहचाने। अब जिसके पीछे देखिए जो नेता जो है देश की बात करता है, सदन में बात करता है, अपनी बात मजबूती से रखता है, उसके पीछे ईडी बीडी लगा देते हैं ये, उसके पहले कहाँ रहते हो आप? और जब चुनाव आता है आप तब देख लीजिए हर प्रदेश में जितने मुखिया नेता हैं सब पार्टी के सबके पीछे ईडी लगा देंगे, चुन चुन के कार्रवाई, सीबीआई लगा देंगे और क्या। ये चाहते हैं कि विपक्ष में कोई नेता न रह जाए, हम ही हम रहे। संस्थाएं जो है वो खतरे में है, सभी खतरे में, जनता खतरे में है भाई। कल अभी मैं स्वयं शाम को गया, हमने कहा भैया टमाटर का भाव कहा 200 रुपए में है, हम कह यार तो मेरी हैसियत नहीं है लेने की, हमने कहा भैया अदरक किन में है, कह भैया तो 300 में है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश, अखंड भारत बनेगा तो टमाटर तो महंगा। अरे भैया हिंदू राष्ट्र बनाने से मेरा पेट भरेगा, इसके पहले हिंदुस्तान नहीं था, हिंदू नहीं था। आज हाँ मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, जो 70 वर्षों में कोई सरकारें नहीं कर पाई वो मोदी जी ने कर दिया। 100 रुपए में पेट्रोल कर दिया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है, टमाटर 200 रुपए में कर दिया, और क्या करेंगे ये। आज जो है ना युवक सड़कों पे टहल रहा है, रोजगार के लिए भीख मांग रहा है, ये रोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं? नौजवानी को क्यों बात नहीं करते हैं? व्यापारियों की क्यों बात नहीं करते हैं? इसको इनको करना चाहिए ना। केजरीवाल कह रहे हैं अब मोदी की सदस्यता की भी बात होनी चाहिए। अरे भैया ये उस सर्कल स्कूल में पढ़े हैं मोदी जी जिसमें खुद जो है ये, अरे नहीं नहीं ये विद्यार्थी थे, उसी में मास्टर थे, उसी में प्रिंसिपल थे, उसी में कुलपति थे, वो कौन सा विद्यालय है मोदी जी बताएं ना, उनकी सर्टिफिकेट कहाँ है? क्यों नहीं दिखाते? क्यों देश की जनता के साथ भाग रहे हैं? अपना भी सर्टिफिकेट दिखाए ना वो कि मेरी सर्टिफिकेट ये है। आज तक क्यों नहीं, पूरी जनता चिल्ला रही है, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, अरे इनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि अपने सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं राजा हमारा अनपढ़ है, ये क्या बात है? अरे भैया जब राजा ही अनपढ़ होगा कुंवार होगा तो हमारी जनता के लिए क्या कर पाएगा वो? अरे अमित शाह ने एक सर्टिफिकेट उनको दिखाया था, ऐसा नहीं है, अमित शाह ने उनका एक सर्टिफिकेट दिखाया था, जब मांगा गया था उनसे सर्टिफिकेट के लिए कि सर्टिफिकेट दिखाया जाए तो अमित शाह ने उनका एक सर्टिफिकेट ला करके दिखाया था, बट उस सर्टिफिकेट को पूरी तरीके से गलत इसलिए साबित किया गया था कि वो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट सन 1948 का जब वो दिखा रहे थे जिस सन का, उस सन में कंप्यूटर हिंदुस्तान में लॉन्च ही नहीं हुआ था, कंप्यूटर हिंदुस्तान में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लॉन्चिंग हुई है, कंप्यूटर प्रोसेस ही तब शुरू हुआ है, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट ही इशू होना राजीव गांधी के बाद से शुरू हुआ था और उसके पहले की उनकी डिग्री। ये कैसे विरोधाभास है? जिस फॉन्ट में उनका नाम लिखा हुआ था वो फॉन्ट सन 72 में लॉन्च हुआ था, उसके पहले की उनकी डिग्री थी, वो जिस सन में वो फॉन्ट नहीं यूज हुआ था वो भी फर्जी है, वो फर्जी थी, पूरी तरीके से फर्जी थी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, सजा पे रोक लग गई है, सदस्यता भी हो सकता है बहाल हो जाए, क्या लग रहा है 24 में कितना फायदा करेगा और जो हुआ ये कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश? बिल्कुल फायदा होगा, उच्चतम न्यायालय का हम सहर्ष इस बात के लिए स्वागत करते हैं कि वो देश की जनता में एक विश्वास ये जगाए हुए है कि अभी हम जिंदा हैं, ईडी मर गई है, सीबीआई मर गई है, पत्रकार समूह खत्म हो गया है, सबको उन्होंने खत्म कर लिया है, लेकिन यह बहुत फक्र की बात है कि हमारा उच्चतम न्यायालय आज भी जिंदा है और वो जब तक जिंदा है तब तक संविधान जिंदा है और जब तक संविधान जिंदा है तब तक देश जिंदा है।
यानी मानते हैं संविधान पे भरोसा है, विश्वास है कि वो रहेगा। बिल्कुल, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, न्यायालय ना हो तो हमारी सुनवाई ना। बेशक लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, देश की जीडीपी पूरी तरीके से गिर गई है, देश की मुद्रा स्फीति पूरी तरीके से डाउन हो गई है, देश कर्जे में जमीन से आसमान तक पहुंच गया है, पूरी तरीके से देश को एक चंद कारोबारियों के हाथ में दे दिया गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? चंद कारोबारी ही क्यों इस बुरी तरीके से कोरोना काल में सारे लोग फेल हो गए, लेकिन चंद कारोबारी क्यों इतना ज्यादा ऊपर चले गए, इसके बारे में किसी को सोचने की फिक्र है? क्या लग रहा है राहुल गांधी यही सब बातें संसद में उठाते थे इसी वजह सदस्यता के? राहुल गांधी ही नहीं, उनके अलावा कई और भी लीडर हैं जो इस तरीके के मुद्दों पर बात करते थे, उनके खिलाफ उनके पास सबसे बड़ा एक अस्त्र है ईडी, ये आप जान लीजिए। कभी कभी लोगों को लगता है, थोड़ी देर के लिए लोगों को लगता है कि इन मोदी के पीछे मोहन भागवत का हाथ है, वो इनको प्रमोट कर रहे हैं, मोदी के पीछे अमित शाह का हाथ है, वो इनको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी के पीछे इस देश में सबसे मजबूत और सशक्त हाथ संजय मिश्रा का है। संजय मिश्रा के अलावा इस देश में मोदी का सबसे मजबूत हैंड कोई भी नहीं है, और ये संजय मिश्रा वही है। उन पर भी विवाद है, उन पर भी विवाद है, वो कहा गया सुप्रीम कोर्ट उनको ऑब्जेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन दे दिया जी, उन पर भी विवाद है। वो विवादित रूप से ही ईडी के डायरेक्टर बनाए ही गए थे, वो पूरी तरीके से इस प्रमोशन लिस्ट को फॉलो नहीं करते थे कि वो ईडी के डायरेक्टर बनाए जाएं, पर फिर भी भाजपा ने उनको ईडी का डायरेक्टर इसीलिए बनाया था क्योंकि उनकी मर्जी पर काम करता है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि देश के हित में इनको जो है वो प्रमोट करना भी ठीक है। देश हित में? कौन सा देश हित में? देश हित में नहीं, सिर्फ भाजपा हित में उनका प्रमोट करना सही है, देश हित में कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या बात है, मतलब एक छोटे से पूरा देश, पूरे देश की मीडिया, पूरे उसके खिलाफ भी जांच होगी। चलिए चलिए, कुछ और लोग हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 में क्या देखते हैं, माहौल क्या है, और जो राहुल गांधी को लेकर सदस्यता बहाल है, हम इसमें कुछ बता नहीं सकते भैया। तो भैया, आप मानते हैं 2024 में जो है फिर से बदलाव इस बार होगा? निश्चित तौर पर बदलाव होने जा रहा है। हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, आप मीडिया साथी हैं, आज जो भी मीडिया कर्मी, जो हमारे पत्रकार साथी, जब कोई देश के इनके विरोध में जरा सी अगर खबरें चला दिए, इनकी गलत नीतियों को अगर आवाज़ उठा दिए, तो उनको उस पत्रकारिता लाइन से हटा दिया जाता है, किसी को जेल भेज दिया जाता है, और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके यहाँ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। तो आप लोग भी कितने, अब वही पत्रकार रह गए इनकी आवाज़ उठा रहे हैं जो इनके तलवे चाट रहे हैं। आप ऐसा ना करिए भैया, ऐसा कुछ ना खबर चलाइएगा, नहीं आप लगे आपों के पीछे सीबीआई दौड़ने लगे, इनकी ईडी दौड़ने लगे। डर देश में, डर, अरे एकदम डर का माहौल है भैया, ये हालत है। हम तो डर, मोदी जी कह रहे चोर डरे हैं, चोर के अलावा कोई नहीं डरा। अरे चोर नहीं डरे, हम कह रहे हैं जो चोर डरते हैं उनको ये साफ बना देते हैं। अभी तुम्हें बताया तो व्हाइट कर देते हैं, वॉशिंग मशीन इनके पास ऐसी है कि डालते हैं निकालते हैं व्हाइट हो जाते हैं, और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। ये कौन सी एजेंसी लेकर के टहल रहे हैं, ये पहले अपनी बात बताएं ना। इनके अभी जो जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अमित शाह जी के पुत्र को देख लीजिए, उसकी हैसियत क्या थी, आज उसकी हैसियत क्या है, आप इसकी क्यों नहीं जांच करा लेते हैं? क्योंकि वो आपका गृहमंत्री है, आपका सारथी है, वो बीजेपी में चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है भाई? तमाम नेता ऐसे हैं, किसको उठा लीजिए, किसका वंशवाद नहीं है वहां पर, चरम सीमा पर है। अरे केवल कोई देख लीजिए, वंशवाद के नाम पर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो इस समय सबसे ज्यादा विवादित कैंडिडेट है बृजभूषण सिंह, उसी को देख लीजिए, उसका भाई क्या है विधायक, उसका छोटा भाई क्या है डायरेक्टर, उसका दामाद क्या है एक विधायक, दूसरा दामाद जो है वो कुश्ती महासंघ का बिहार का प्रेसिडेंट, इसको वंशवाद नहीं कहेंगे तो और किसको वंशवाद कहेंगे? भाई मोदी जी की स्ट्राइक चल, खाली हो तो सच पर आइए, तो वो प्लेटफॉर्म तो पकड़िए पहले। यानी केवल विपक्षियों को जो है वो वंशवाद के नाम पर जो है केवल भरमाया जा रहा है कि यही चल रहा है बस। अरे भैया ये ढोंगी लोग हैं, ये झूठे हैं। जनता 2014 के बाद से राज्य सरकार हो, 2024-19 चुनाव हो, जनता भरम क्यों रही है, लगातार जीत तो जीत। जनता भरम नहीं है भैया, जनता तो इनके खिलाफ वोटिंग करती है, लेकिन अरे भैया जो ईवीएम है ना उसमें इनको मशीन फिट कर रखी है इन लोगों ने, ईवीएम में खेला, हाँ, खेला हो रहा है ईवीएम में। तो फिर 24 में भी अभी एक वोट डालो तो पता चले वो बीजेपी में जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि इस बूथ पर जो है पूरा विपक्ष है इनका, और वहाँ ये चुनाव जीत जाते हैं, तो ईवीएम में खेला नहीं हो रहा था और कहाँ हो रहा है ईवीएम में खेला, तो 2024 का ऑर्डर से क्यों नहीं उससे कराते अपना जो है, ममता बनर्जी ने भी जो है अपना चुनाव कराए तो अपनी हैसियत को इनको ज्ञान हो जाएगा।
मानते ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी है ही है, ईवीएम में शंका है भैया, बिल्कुल शंका है। विपक्ष आवाज के लिए हम करें, आईआईटी के स्वामी शंकर जैसे इंजीनियर ने, जो लड़का बहुत कम उम्र का था, स्वामी शंकर इंजीनियर ने उसका ला करके डेमो पूरी तरीके से करके दिखाया था, उसने सामने बैठा करके उसमें मंत्री स्तर के कम से कम चार लोग मौजूद थे और उसने डेमो करके दिखाया था कि लीजिए मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, पर वो डेमो किसी भी राष्ट्रीय मीडिया ने नहीं दिखाया, उसने डेमो करा। वोट आप किसी पर भी डालेंगे, जब आप उसको ओके करेंगे तो वो वोट चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कमल पर। वही तो सवाल, विपक्ष आखिर क्यों सवाल नहीं खड़ा कर रहा है? विपक्ष सवाल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड वर्ड अदालत तक इसकी बात गई हुई है और वहां भी इस बात का क्लेम किया गया है कि देश जो पूरे विश्व के जो टॉपेस्ट सबसे टॉपेस्ट कंट्रीज हैं, जो आठ कंट्री हैं, उन आठ में से किसी भी कंट्री में ईवीएम से नहीं होता है। सबसे बड़ा हमारा ही देश हो गया है जहां पर ईवीएम से होता है, आखिर क्या बात है? सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल ईवीएम बंद होना चाहिए। ईवीएम बंद भाई मोदी जी जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, अब ईवीएम कैसे जाएंगे हम लोग देख रेख कर रहे हैं, अब उस पर भी निगरानी करेंगे। हाँ, अब उसमें गड़बड़ी किया तो फिर लाठी भांजेंगे अब जनता। हाँ, अब एकदम मुस्तैद है, लिए तैयार है हाथ में, ईवीएम सुरक्षा करेंगे और क्या, अब सारी सुरक्षा करेंगे तभी तो देश की सुरक्षा होगी। देश की सुरक्षा तभी होगी जब हम ईवीएम की रखवाली करेंगे। ईवीएम में आपको शंका है? पूरी शंका है, वहीं से जीतते हैं, वहीं से जीतते, जनता नहीं दे रही है, जनता कहाँ देती है भाई? जनता कह रही है हमको राशन मिल रहा है, किसानों का जो है वो 6,000 रुपया मिल रहा है, 2.5 लाख वाला घर मिल रहा है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। भैया ये जो राशन दे रहे हैं ना, ये जनता को जो है अपाहिज बना रहे हैं। फ्री वाला तो कांग्रेस भी कर रही है ना, कर्नाटका में 5 गारंटी। अरे भाई, जब किसी मदारी को अगर उसका जो है खेल बिगाड़ना है तो हम भी मदारी बनना ही पड़ेगा ना। हाँ, अगर कोई आतंकवादी हमारे देश पर हमला कर रहा है तो क्या हम उससे नमस्ते करेंगे कि हम भी उसका जो है मुकाबला करेंगे? तभी तो हम आएंगे ना, तभी हम सुरक्षित रहेंगे ना। तो हमें इसलिए हम उनका मुकाबला करने के लिए हम भी अब उस चाल को चलने चल रहे हैं जो ये चलते हैं। अच्छा, तो ये देखिए जनता थी, इन्होंने स्पष्ट कहा कि 2024 में जो है वो इस बार ईवीएम भी फेल होगा और टीम इंडिया की जीत होगी। राहुल गांधी की सदस्यता पर भी आपने सुझाव दिए, अब आप अपने सुझाव दें, क्या लग रहा है कि राहुल की सदस्यता को लेकर आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।